गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथोस के आज के ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 27 जो है अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आज में पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाना शुरू किया था और आज अपन उसके आगे का कंटिन्यूशन ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों का जिसमें मैंने बेनिफिट्स लिख रखे हैं कि ये बिल्ड करता है मोरल, रेपुटेशन, लीगेसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी हो सकती है, आप और अट्रैक्ट कर सकते हो अच्छे लोगों को अपने यहाँ, रिक्रूट कर सकते हो टैलेंट स्टाफ आप अपने यहाँ रख सकते हो। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से आप अपने यहाँ पे अच्छे बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हो, हमेशा आप कॉम्पिटिटिव एज पे रहते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं क्योंकि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, आपकी इमेज अच्छी है तो लोग भी आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। और इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप डिसीजन मेकिंग जो होगी आपकी वो भी एक फ्लो में होती है, या यूँ कहें कि एक लेवल की होती है ताकि आपके डिसीजन गलत ना साबित हो। अब थोड़ा सा इनकम देखें कि देखिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि आपकी सक्सेस भी होगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, यानी कि आप प्रॉफिट भी कमाएंगे। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप इजीली कैपिटल को रेज कर पा रहे हो। अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं। इसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ही कॉस्ट भी कम हो जाती है, कैपिटल कॉस्ट। आपके अगर कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं वो भी आपकी इमेज की वजह से बढ़ते हैं। और यदि आपको लगता है कि जो आपके ओनर्स हैं, यानी कि जो मैनेजर्स भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकता है, वो क्या है कि अगर शेयर होल्डर्स का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो भी इजीली क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट किए हैं वो भी इजीली अचीव किए जा सकते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, वेस्टेज को रोकता है, करप्शन को ख़त्म करता है, रिस्क को मिनिमाइज़ करता है और मिसमैनेजमेंट को भी अवॉइड करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हम इसके अंदर देखें। इसके अलावा आपकी कंपनी की इमेज एज ए ब्रांड खुद ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रमोट होने लग जाती है। और ये जो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये इंश्योर करता है इस बात से कि आपके यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि नीड क्यों है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें इसलिए चाहिए कि ऑनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज करना है। आजकल के रिसेंट ईयर में क्या देखा जा रहा है, जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर है कंपनीज़ का वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो हैं ये सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं कई कंपनीज, और उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। तो इन सिंगल होल्डर्स की वजह से होता क्या है कि ये इजीली कंट्रोल कर पाते हैं इन कंपनीज़ के मैनेजमेंट को, तो इसलिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहा जा रहा है। यदि हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात समझें, आजकल देखिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसको एक इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी है, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कंपनी अपनी अच्छी इमेज को प्रमोट कर पाती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो हमेशा कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्शन करते हुए डिसीजन लेते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए डिसीजन लेते हैं, सप्लायर्स के लिए डिसीजन लेते हैं और लोकल कम्युनिटी, इन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज़ समझ में आता है। तीसरा आता है ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम्स। इन रिसेंट ईयर्स में आपने भी सुना है, मैंने को भी पता है कि कई सारे स्कैम्स हमारे सामने आते हैं, कई सारे लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, कई फ्रॉड केसेस सामने आते हैं, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस आजकल बहुत सुनने में लगी है। तो कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं, इस पैसे को मिसयूज़ करते हैं या मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से पब्लिक मनी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है, ये लोग लेके भाग जाते हैं। तो ये तभी हो पा रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन सभी एरियाज़ में इन सबका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कहीं ना कहीं भूल सभी से हो रही है और कहीं ना कहीं इसमें कमी सभी इन सेक्टर्स की भी है। तो इन स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए, फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसेप्ट को यूज़ किया जाए। देन आता है इन डिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। जनरली क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि उनका काम तो पैसा इन्वेस्ट करना है और अपना रिटर्न लेना है।
तो वो लोग क्या है, नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर ही मीटिंग्स अटेंड करते हैं। कई बार पोस्टल बैलेट या इंडिया से ख़त्म ही कर दिया गया है। प्रॉक्सीज क्या है, मीटिंग्स के अंदर साइन कर दिए जाते हैं कि ये लोग अवेलेबल थे। तो जो शेयर होल्डर्स का जो पार्ट है, जो उनका व्यू है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ख़त्म सा हो गया है। तो यहाँ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी इस पावर को मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि लोग तो वहाँ अटेंड करने ही नहीं आ रहे, तो वो अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को मैनिपुलेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कमियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ ये नीड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ताकि इन जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से चले, और हर एक इंटरेस्ट जो भी होल्डर है, चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। आजकल देखिए बहुत सारी बिग कंपनीज हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में अपने गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो इजीली अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, तो इंडिया के अंदर हम ये देख सकते हैं, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, हम इजीली फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स उनके हिसाब से बना सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करें, और विदाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये एक इम्पॉसिबल सी बात नज़र आती है, कि आजकल का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें आप विदाउट रूल्स और विदाउट रेगुलेशंस आप स्टेबल नहीं रह सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। टेक ओवर एंड मर्जर्स, आजकल बहुत सारे टेक ओवर्स और मर्जर्स की भी आपने खबर सुनी होगी, कभी ना कभी टेक ओवर मर्जर्स होते ही रहते हैं। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट का इंटरेस्ट का भी ध्यान रखता है, क्योंकि टेक ओवर मर्जर्स करते वक्त जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया था, उन लोगों का इंटरेस्ट ये स्टॉक मार्केट से भी, इन सब चीज़ लोग भी करते हैं। और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा तो इन सब बातों का प्रोटेक्शन में ध्यान रखा जाएगा, और जिनका पैसा लगा हुआ है उनका पैसा डूबेगा भी नहीं। फिर आती है सेबी। सेबी जैसे हमने कहा कि सेबी का भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये जो सेबी है इसका काम ही यही है कि जो इन्वेस्टर्स था, जिन्होंने कंपनीज़ में पैसा लगाया था, उनके इस इंटरेस्ट को संभाल के रखा जा सके। तो इसलिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होना ज़रूरी माना जा रहा है। फिर आता है ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। आजकल की जो सोसाइटी है वो क्या होल्ड किए हुए है, उसको एक एक्सपेक्टेशन है किससे, कॉर्पोरेट सेक्टर से, कि वो अच्छे गुड्स को प्रोवाइड करवाएंगी, क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करवाएंगी, कम कीमत में प्रोवाइड करवाएंगी, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगी, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये सभी जो सोशल एक्सपेक्टेशन है ये तभी हो पाएगी जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, एक्टिविटीज़ का ख्याल रखा जाएगा, एथिकल चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो आपका इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम भी क्या अच्छा होता चला जाएगा। उसके बाद आता है आपका हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ कॉर्पोरेशन का मतलब है कि आप जब किसी कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे आपको डाउट होता है, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट को अदर लोग क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। ये फैक्टर तभी होता है कि यहाँ पे हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ में आता है, यानी कि जब मैनेजमेंट जो है, ऑनर जो है, मिसमैनेज कर रहा है चीज़ों को, संभाल नहीं पा रहा, तो अदर्स से कुछ बाहर के लोग आके जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है, वो इस कंपनी के अंदर अपने आप को टेक ओवर कर लेते हैं और ऐसे मैनेजमेंट बन जाते हैं। पर ये तभी हो पाएगा जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखते हैं। देन आता है ह्यूज इंक्रीज इन टॉप मैनेजमेंट कंपनसेशन। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप इकोनॉमी हैं, ये भी ये देख रही हैं कि कॉम्पनसेशन पैकेजेस आजकल दिए जाने लग गए, जैसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पेमेंट्स। तो ये पैकेजेस कौन दे रहा है, ये टॉप लेवल कंपनीज दे रही हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को। तो यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा कि क्यों पेमेंट को रोका गया था, कि क्यों पेमेंट दिया जा रहा है। यहाँ बस इस बात का है कि जो भी आपके यहाँ जो कॉर्पोरेट फंड में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, उस पैसे का रिटर्न इन लोगों को सही तरीके से दिया जाए। इसलिए ये टॉप मैनेजमेंट जो है कॉम्पनसेशन के नाम पे क्या कर रही है, मॉनेटरी पेमेंट का इन्होंने एक इशू बनाया, ताकि ये सभी हो पा रहा है जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। इसलिए हम लोगों को समझ में आता है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड है। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।